तेज रफ्तार जिंदगी में आपसे कोई खबर छूट न जाए, आपके वक्त की कीमत को समझते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं त्वरित। अगले एक घंटे में हम आपको दिखाएंगे हर क्षेत्र के समाचार, साथ ही आपको दिखाएंगे आज की बड़ी खबर त्वरित विशेष में। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। यूपी में ताबड़तोड़ महिलाओं पर अपराध के बीच सीएम योगी के पुलिस अफसरों के साथ हुई बैठक, डीजीपी बोले क्राइम पर चर्चा ही नहीं हुई। यूपी के डीजीपी ओपी सिंह का कहना है कि बजट के संबंध में थी मीटिंग, साथ ही नए और पुराने प्रोजेक्ट पर चर्चा हुई। नहीं, आज गृह विभाग की समीक्षा की गई, उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो बजट के संबंध में था, बहुत से ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स थे, बहुत से पेंडिंग प्रोजेक्ट्स थे, उन सबों के बारे में एक बहुत ही विस्तृत चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की और एक निर्देश दिया कि सभी काम जो है समय पे पूरा हो। इसमें क्राइम के ऊपर नहीं डिस्कशन हुआ, ये डिस्कशन केवल उन प्रोजेक्ट्स उन कार्यों के बारे में हुआ जो चल रहे हैं और जो पेंडिंग हैं। यूपी की बदायूं में नाबालिग गैंगरेप पीड़ित ने कल की खुदकुशी, पुलिस ने कथित तौर पर कहा था कि पीड़ित लड़की आरोपी को पहले से जानती थी। बदायूं गैंगरेप और खुदकुशी केस में मुख्य आरोपी गिरफ्तार, नाबालिग पीड़ित के घर वालों ने कहा आरोपी से पूरे परिवार की को जान को खतरा। बदायूं पुलिस पर आरोप है कि उसने गैंगरेप पीड़ित और आरोपी की जान पहचान की बात सार्वजनिक की थी। पुलिस ने कहा था लड़की और आरोपी में 122 बार बात हुई थी, लेकिन जिले के एसएसपी का आरोप से इनकार। बदायूं के अलावा यूपी के मेरठ की घटनाओं को लेकर यूपी पुलिस सवालों के घेरे में है। 21 अगस्त को मेरठ के सरधना में लड़की को दबंगों ने जिंदा जलाने की कोशिश की थी। यूपी के संभल में मस्जिद के पास शराब पीकर गालियां दे रहे कुछ लोगों को मना करने पर भड़की हिंसा, जमकर पथराव और तोड़फोड़। यूपी के बरेली में कांवड़ निकालने को लेकर भिड़े दो समुदाय, इलाके में भारी तनाव, बड़ी संख्या में पुलिस मौके पर मौजूद। लखनऊ में अटल जी की श्रद्धांजलि कार्यक्रम से लौट रहे बीजेपी विधायक अविनाश त्रिवेदी और उनके साथियों पर फरार आरोपी को बचाने के लिए पुलिस से मारपीट का आरोप। आरोप है कि बीजेपी विधायक के साथ प्रशांत मिश्रा नाम का वो फरार आरोपी भी मौजूद था, जिस पर यह लखनऊ यूनिवर्सिटी में बवाल के एक मामले में गैर जमानती वारंट जारी है। आरोप है कि पुलिस अफसर फरार आरोपी प्रशांत मिश्रा को पकड़ने गए तो बीजेपी विधायक अविनाश त्रिवेदी और उनके साथियों ने पुलिस के चौकी इंचार्ज से मारपीट की। लखनऊ पुलिस के बड़े अफसर में इस हंगामे के दौरान अपने सहयोगी पुलिस वालों की मदद करने की जगह मामले को रफा दफा करने की कोशिश करते हुए नजर आए। लखनऊ में कल निकली अटल जी की अस्थि कलश यात्रा, श्रद्धांजलि सभा के बाद अटल जी की अस्थियां गोमती नदी में प्रवाहित कर दी गई। लखनऊ में अटल जी को श्रद्धांजलि देने वालों में गृह मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यपाल राम नाईक और सीएम योगी के अलावा मुलायम सिंह यादव और राज बब्बर समेत विपक्ष के कई प्रमुख नेता भी शामिल रहे। लखनऊ में अस्थि कलश यात्रा के दौरान सड़क के दोनों तरफ लोगों की भीड़ लगी रही, लोगों ने अपने प्रिय नेता को श्रद्धांजलि दी। ओडिशा के पुरी में निकली अटल जी की अस्थि कलश यात्रा, धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में जुटे सैकड़ों लोग। अटल जी को लेकर राजनीति का आरोप लगाने वाली भतीजी करुणा शुक्ला को दूसरी भतीजी कांति मिश्रा का जवाब, कहा अटल जी तो पूरे देश के हैं। उत्तर प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर 44 राजकीय अटल इंटर कॉलेज खोले जाएंगे, योगी सरकार ने फैसला लिया है। अभी राज्य में 724 सरकारी इंटर कॉलेज है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की उपलब्धियों को राजस्थान सरकार स्कूल की किताबों में शामिल करेगी। राजस्थान में आज से यात्रा और रैली का शोर, वसुंधरा की गौरव यात्रा तो कांग्रेस की संकल्प रैलियों की होगी शुरुआत। गुजरात के वलसाड में पीएम मोदी ने कहा सरकारी योजना में अच्छे घर इसलिए बने क्योंकि कोई घोटाला नहीं हुआ। गुजरात में घर मिलने से खुश महिलाओं ने मोदी को दी 12 फीट की राखी। गुजरात यात्रा के दौरान पीएम मोदी कल रात अपनी मां से मिलने गए, बिना सुरक्षा तामझाम के घर पहुंचकर सबको चौंका दिया। जर्मनी के हैमबर्ग में दिए राहुल गांधी के बयान पर विवाद, राहुल ने कहा था कि भारत में बेरोजगारी से बड़ी है लिंचिंग की घटनाएं, इराक में बेरोजगारी के कारण ही आईएसआईएस ने जमाई थी जड़ें। बीजेपी ने भारत में बेरोजगारी के कारण मॉब लिंचिंग बढ़ने के राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है,
बीजेपी ने कहा कि जर्मनी में राहुल ने जो कुछ कहा उससे देश का अपमान हुआ। कांग्रेस ने राहुल गांधी के भाषण पर बीजेपी के हमले का जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया है, जिसका जवाब देने की जगह बीजेपी बेवजह का विवाद खड़ा कर रही है। आप विदेश की भूमि में जाकर भद्दा मजाक करते हैं उन विक्टिम्स का जो आतंकवाद के कारण अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं। आप आईएसआईएस को एक एक्सक्यूज देते हैं, यू आर गिविंग एन एक्सक्यूज फॉर आईएसआईएस फॉर्मेशन, और आप कहते हैं नौकरी नहीं मिलेगी, विजन नहीं देंगे मोदी जी, तो देश में आईएसआईएस आके अपना विजन देने लगेगी और हमारे माइनॉरिटीज के बंधु उस दिशा में चले जाएंगे। यह अन्याय हमारे माइनॉरिटीज के प्रति है। देखिए, राहुल गांधी ने कुछ भी गलत नहीं कहा, राहुल गांधी ने एकदम सही बात कही है। जो देश की समस्या को उन्होंने रखा है, बीजेपी ने 2014 में कहा था कि हम सत्ता में आ गए तो 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, ये जो है तो अब तक 9 करोड़ नौकरी दे देनी चाहिए थे, लेकिन 9 लाख नौकरी भी नहीं दे पाए। अगर ये आप नौकरी नहीं दे पाए, रोजगार लोगों को मिल नहीं रहा, घरों पे लोग बैठे जो रोजगार में तो भी जो है पैदल हो गए, तो उससे जो है परेशान होकर अगर लोग को कुछ तत्व, गलत तत्व गुमराह करते हैं, कहीं उधर उधर ले लेते हैं, इस समस्या का अगर वहाँ पे उन्होंने जिक्र किया तो इसमें क्या खराब किया? बीजेपी को बताना चाहिए कि हम क्यों नहीं नौकरी दे पाए, समस्या का हल निकालें कि लोगों को रोजगार दें, रोजगार के लिए कोशिश करें, बजाय इसके कि राहुल गांधी को आप गालियां दे रहे हो, राहुल गांधी की आलोचना कर रहे हो। जम्मू कश्मीर के बारामूला में लश्कर आतंकियों ने वन अधिकारी तारिक अहमद की हत्या की, घर में घुसकर मारी गोली। श्रीनगर में गवर्नर सत्यपाल मलिक ने ली शपथ, पहले बिहार के राज्यपाल थे। सत्यपाल मलिक की शपथ में पहुंचे फारूक अब्दुल्ला ने कहा उम्मीद है जल्द राज्य को दलदल से निकालेंगे राज्यपाल। जम्मू कश्मीर में चुनाव और सरकार के सवाल पर बोले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, राज्यपाल लेंगे फैसला। जम्मू कश्मीर विधानसभा भंग करने की मांग को लेकर पैंथर्स पार्टी ने जम्मू में किया प्रदर्शन। लालजी टंडन ने ली बिहार के राज्यपाल की शपथ, लखनऊ से सांसद रह चुके हैं। इलाज कराकर वापस लौटे अरुण जेटली ने फिर से संभाला वित्त मंत्रालय का कामकाज। यूपी में शुरू हुई मंदिर की सियासत, अखिलेश यादव इटावा में विष्णु मंदिर बनवाना चाहते हैं। यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने मंदिर के सवाल पर अखिलेश को घेरा, कहा प्रायश्चित करना चाहते हैं। उन्नाव गैंगरेप केस में गवाह यूनुस की मौत को लेकर राहुल गांधी ने सवाल उठाए, बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर हैं आरोपी। यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र कल से शुरू हुआ, पहले दिन दी गई अटल जी को श्रद्धांजलि। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने लखनऊ में योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री गुरुदास कामत का मुंबई में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ, परसों हुआ था दिल्ली में निधन। गुजरात के ओबीसी नेता और विधायक अल्पेश ठाकुर को राहुल गांधी ने कांग्रेस का सचिव बनाया, बिहार के सह प्रभारी भी बनाए गए। राहुल गांधी ने रायबरेली की युवा विधायक अदिति सिंह को महिला कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव बनाया। मुजफ्फरपुर रेप कांड में तेजस्वी यादव ने फिर उठाई मंत्री सुरेश शर्मा को बर्खास्त करने की मांग। भोपाल में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। मेघालय के दक्षिण तुर्रा सीट पर उपचुनाव के लिए कल पूरी हुई वोटिंग, सीएम कोडनाट संगमा ने भी वोट डाला, 27 अगस्त को होगी गिनती। साध्वी से बलात्कार के मामले में 20 साल की सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम की जमानत की अर्जी पंचकूला की सीबीआई अदालत ने खारिज की। सोशल नेटवर्किंग साइट लिंक्डइन पर पीएम नरेंद्र मोदी, प्रियंका चोपड़ा के प्रोफाइल सबसे अधिक देखे गए, इन दोनों शख्सियतों को इंडियाज पावर प्रोफाइल्स 2018 की लिस्ट में शामिल किया गया है। और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर और खुशखबरी भारत के लिए आ रही है एशियन गेम्स से। नौकायन में भारत को गोल्ड मिला है और ये भारत का 5वां गोल्ड मेडल है। नौकायन में 4 खिलाड़ियों के दल ने मेंस क्वाड्रल स्कूल्स में गोल्ड जीता है। भारत के पदकों की संख्या अब इसके साथ ही 21 हो गई है। तो नौकायन स्पर्धा में भारत को मिला है गोल्ड मेडल और स्वर्ण सिंह, ओम प्रकाश, दत्तू और सुखमीत की टीम को ये गोल्ड मिला है। भारत के कुल पदकों की संख्या अब इसी के साथ 21 हो गई है। जी, आपको बता दें कि भारत को एक कामयाबी मिली है नौकायन स्पर्धा में, जहां पर भारत को एक गोल्ड मिला है। स्वर्ण सिंह, ओम प्रकाश, दत्तू और सुखमीत की टीम को ये गोल्ड मिला है। भारत के अब कुल पदकों की संख्या 21 पहुंच गई है।
बिल्कुल खुशखबरी है, हालांकि कंपटीशन बहुत तगड़ा था इंडोनेशिया और थाईलैंड के खिलाड़ियों के बीच, लेकिन भारत ने बाजी मार ली। केरल समेत दक्षिण भारत के ज्यादातर हिस्सों में थमने के बाद अब उत्तर और पश्चिम भारत में कहर ढा रही है बारिश। यूपी, एमपी और राजस्थान के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात। यूपी के इटावा में कल दोपहर से हो रही तेज बारिश से जिला प्रशासन अस्पताल में भरा पानी, मरीजों और उनके तीमारदारों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एमपी के टीकमगढ़ जिले के ओरछा में बेतवा नदी उफान पर, ओरछा शहर के वार्ड नंबर और आजादपुरा में लोगों के घरों तक पहुंचा बाढ़ का पानी। ओरछा का टीकमगढ़ और झांसी से संपर्क कटा। ओरछा झांसी मार्ग पर बेतवा की सहायक सातार नदी के पुल पर 3 से 4 फीट तक पानी, जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं कांवड़िए। बेतवा का पानी यूपी के झांसी जिले में भी कहर ढा रहा है, पानी में डूबे झांसी के कई इलाके। भारी बारिश से यूपी का मुजफ्फरनगर शहर बना तालाब, पानी निकासी की व्यवस्था न होने पर नगर पालिका पर भड़के स्थानीय लोग। यूपी के उन्नाव में थोड़ी देर की बारिश ने खोली प्रशासन की पोल, बांगरमऊ के सरकारी अस्पताल में बारिश का पानी भरा। यूपी के मऊ में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है घाघरा नदी, कई गांवों में नदी का पानी भरने से बाढ़ जैसे हालात। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बाढ़ प्रभावित बाराबंकी, गोंडा और लखीमपुर जिलों का करेंगे दौरा। राजस्थान के दौसा में अंडरपास में फंस गई स्कूल बस, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 50 बच्चों को बस से रस्सी की मदद से निकाला गया। बीकानेर के वल्लभ गार्डन इलाके में पानी रोकने के लिए बनाए बांध टूटने से दर्जनों घरों में पानी घुसा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में कचरू देवता मंदिर के पास एक भैंस नदी के बीच टापू में फंस गई, एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद भैंस को टापू से निकाला। केरल में बाढ़ का पानी उतरने के बाद राहत के काम ने तेजी पकड़ी है, केरल के सीएम पी विजय ने चेंगलूर के राहत कैंप का दौरा किया। बाढ़ की त्रासदी से जूझ रहे केरल में पानी उतरने के बाद राहत काम ने तेजी पकड़ी, वायनाड में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राहत सामग्री बांटी। केरल में बाढ़ से चाय उद्योग पर बुरा असर पड़ा है, मुन्नार के आसपास के कई टी गार्डन तबाह हो गए। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण आज कर्नाटक के बाढ़ प्रभावित कोडागु का दौरा करेंगी, राहत शिविरों में लोगों से बातचीत के अलावा अधिकारियों के साथ बैठक करेंगी। मुख्य समाचारों के बाद अब बात महानगरों की। मुंबई की क्रिस्टल टावर में आग लगने के बाद कितनी सुरक्षित है मुंबई की हाई राइज इमारतें, इस पर आरटीआई से मिली जानकारी में पता चला है कि 2008 के बाद से हाई राइज इमारतों में आग लगने की घटनाएं बढ़ी हैं। पिछले 10 साल में 1568 इमारतों में आग लगी। आपको ये भी बता दें कि मुंबई के परेल इलाके में 18 मंजिला क्रिस्टल टावर में आग लग गई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। फायर ब्रिगेड की टीम की जांच में पता चला है कि बिल्डिंग निर्माण में कई खामियां थी, इलेक्ट्रिक डक्ट भी सील नहीं किए गए थे, लापरवाही के आरोप में बिल्डर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई में बड़ी बड़ी इमारतें बनाने वाले ओमकार ग्रुप के डायरेक्टर बाबूलाल वर्मा के मुताबिक ऊंची इमारतों में फायरिंग सिस्टम का पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, ऐसे में इमारत में आग बुझाने के लिए इनबिल्ट सिस्टम मजबूत होना चाहिए। मुंबई की एसिड अटैक पीड़िताएं भेज रही हैं केरल के बाढ़ प्रभावित लोगों को मदद, एसिड अटैक पीड़ितों के फाउंडेशन ने मुंबई से कपड़े और केरल दवाई भेजी। दिल्ली में राशन घोटाले के मामले में आरोपों और प्रत्यारोपों का दौर जारी है, एक तरफ जहां बीजेपी दिल्ली सरकार पर 3 साल के भीतर 3,000 करोड़ का राशन घोटाला करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएमओ पर करीब 3 लाख राशन कार्ड रद्द करवाने के आरोप लगाए हैं। दिल्ली बीजेपी ने राशन के वितरण में गड़बड़ियों को रोकने के लिए ई पॉइंट ऑफ सेल व्यवस्था को लागू करने की मांग की है, मांग पूरी न होने पर दिल्ली बीजेपी पूरी दिल्ली में जन जागरूकता अभियान शुरू करेगी। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 125 में प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बाहर दबंगों की गुंडागर्दी का वीडियो सामने हो आया है, बीबीए छात्र पर यूनिवर्सिटी के पूर्व दबंग छात्र ने तानी है पिस्तौल। यही नहीं, इसके अलावा 2 और वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें कुछ दबंग गाड़ी से बाहर निकलकर हवाई फायरिंग कर रहे हैं, पुलिस ने आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पश्चिम बंगाल में टीवी प्रोड्यूसर और कलाकारों के बीच तनातनी जारी है, मामले के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दोनों पक्षों को मीटिंग के लिए बुलाया,
दरअसल टीवी कलाकार अपनी बकाया रकम और शिफ्ट टाइमिंग दुरुस्त करने की मांग कर रहे हैं। तमिलनाडु की एआईएडीएमके पार्टी ने जयललिता पेरियार और अन्ना दुरे को भारत रत्न देने की मांग की है। तमिलनाडु के डिप्यूटी सीएम ओ पनीरसेल्वम ने कहा है कि जयललिता सामाजिक न्याय की चैंपियन थी। कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे डीटीसी बस कंडक्टर बड़ी संख्या में रक्षाबंधन पर छुट्टी पर जा सकते हैं। दिल्ली में बस यात्रियों को त्योहार पर हो सकती है दिक्कत। चलिए अब आपको दिखाते हैं सुख के समाचार, यानी वैसे समाचार, वैसी तस्वीरें जो आपको सुख देती हैं, आपको प्रेरणा देती हैं और साथ ही आपके काम की भी होती है। दिल्ली की सभी बसों में आज से मेट्रो कार्ड से खरीद पाएंगे बस टिकट। डीटीसी और क्लस्टर स्कीम की सभी 5500 बसों में आज से कॉमन मोबिलिटी कार्ड लागू हो जाएगा। कोलकाता में 59 साल के मरीज की मृत्यु के बाद परिवार ने किया अंगदान। अंगदान से 3 मरीजों की जिंदगी मिली है। बीते हफ्ते भी कोलकाता से एक ऐसी ही खबर आई थी जो सुख की थी, जहां अंगदान से 3 मरीजों की जिंदगी बची थी। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने वाली कंपनी सैमसंग की केरल के बाढ़ पीड़ितों के लिए विशेष स्कीम। फ्री सर्विस के अलावा ज्यादा नुकसान वाले प्रोडक्ट्स को आधे खर्च में करेगी रिपेयर। 26 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन उत्तर रेलवे का महिलाओं को तोहफा। रक्षाबंधन के दिन 6 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। अब वक्त है दुख के समाचारों का, यानी वैसी खबरें जो आपको दुख पहुंचाती हैं। अपराध या हादसे की खबर या आपकी जेब पर डाका डालने वाली खबर, ये खबरें भले ही आपको दुख पहुंचाती हैं, लेकिन इसके बारे में जानना होता है बेहद जरूरी। कोयम्बटूर में बंद होने की कगार पर 164 साल पुराना सरकारी स्कूल। गंदगी की वजह से अभिभावक नहीं करा रहे हैं बच्चों का दाखिला। यूपी के फिरोजाबाद में अपने घर की छत पर सो रही 11 वर्ष की छात्रा और उसकी सहेली तेजाब हमले में झुलसी। पड़ोस में रहने वाले युवक पर संदेह। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के मकरामपुर में टीएमसी दफ्तर में विस्फोट। एक की मौत, 3 की हालत गंभीर। ब्लू व्हेल के बाद अब देश में मोमो गेम का आतंक। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में एक 10वीं क्लास के बच्चे के मोबाइल पर पाया गेम का लिंक। जानलेवा ऑनलाइन गेम मोमो ने ली एक और जान। दार्जिलिंग में 12वीं क्लास के एक छात्र ने खुदकुशी की। सोशल मीडिया पर महिला की गलत तस्वीर वायरल होने पर भिड़े पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले के 2 गांव के लोग। राजस्थान के कोटा में सोनोग्राफी करते हुए एक डॉक्टर और एक नर्स गिरफ्तार हुए। अमृतसर में कैनरा बैंक के मैनेजर की आंखों में मिर्ची डालकर 38 लाख की लूट। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। कानपुर में छात्राओं के प्रिंसिपल पर लगाया छिड़काने का आरोप। स्कूल के बाहर जमकर बवाल किया। महाराष्ट्र के भिवंडी में नाबालिग लड़की को अकेली पाकर रेप के बाद हत्या का मामला सामने आया है। यूपी की मुरादाबाद में गुस्सा आए लोगों ने चक्का जाम कर किया प्रदर्शन। वन विभाग के अफसर पर लगाया विभाग के ही कर्मचारी की हत्या का आरोप। यूपी के इलाहाबाद में रिश्तों का कत्ल छोटे भाई के जीन्स पहनने से रोकने पर गुस्साए बड़े भाई ने छोटे भाई की बेरहमी से हत्या कर दी। पटना के एग्जीबिशन रोड इलाके में एक कैश वैन में अचानक लगी आग। आग लगते ही निकाल लिया गया कैश। धनबाद में झारखंड विकास मोर्चा के जिला अध्यक्ष बाइक सवार 4 नकाबपोश बदमाशों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। बिहार की मोतिहारी में डीटीओ और रेत कारोबारियों के बीच झड़प। ट्रक की जांच करने को लेकर शुरू हुआ था विवाद। लखनऊ के जानकीपुरम में चोरों ने 3 दुकानों का शटर तोड़कर हजारों की नकदी का पर हाथ साफ कर दिया और फरार हो गए। तलाश में जुटी है पुलिस। आगे आपको दिखाएंगे त्वरित विशेष। त्वरित विशेष में आज आपको दिखाएंगे केरल के बाद अब उत्तर भारत में पानी का गुस्सा। जी हाँ, जब पानी को गुस्सा आता है तो फिर क्या होता है। बात हम बाढ़ और बारिश की कर रहे हैं आज त्वरित विशेष में। केरल के बाद अब देश के दूसरे हिस्सों में मौसम की मार पड़ रही है। जब पानी को गुस्सा आता है तो क्या होता है,
तस्वीरें आगे देखेंगे, लेकिन अभी देख लेते हैं मौसम से जुड़ी हुई बड़ी बातें क्या है, पूरे देश में क्या हाल है, क्या ताजा अपडेट है। केरल के बाद अब पश्चिमी एमपी में मॉनसून की मार पड़ी है। आपको बता दें कि इसके अलावा यूपी, बिहार, ओडिशा में भारी बारिश का अनुमान जाहिर किया गया है आज के लिए। महाराष्ट्र और गोवा में हल्की बारिश हो सकती है, मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है। और केरल में अगले 4 से 5 दिन बारिश नहीं होने का अनुमान है, तो ये एक बड़ी राहत की खबर जरूर केरल के लिए है। दिल्ली में आज भी बारिश हो सकती है, मौसम विभाग की तरफ से दिल्ली में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। उधर उत्तराखंड और हिमाचल में भी तेज बारिश की आशंका है, तेज बारिश उत्तराखंड और हिमाचल में हो सकती है। केरल के बाढ़ के कोहराम से पूरा देश हिल गया। केरल में अब हालात सुधर रहे हैं, लेकिन अब मैदानी इलाकों में बारिश की मार पड़ रही है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर है, ये देख रहे हैं आप तस्वीरें। साथ ही आपको बता दें कि शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है, ये तस्वीरें देख रहे हैं आप एमपी के टीकमगढ़ में, जहां घरों में पानी घुस गया है। केरल के बाद अब मैदानी इलाकों में बाढ़ और बारिश का प्रकोप है। आप देख रहे घरों के अंदर पानी है, ये नदियां पूरे उफान पर है, जिसकी वजह से जो आसपास के इलाके हैं, ये देखिए घर के अंदर पानी, ये मोटरसाइकिल के टायर तक दिखाई नहीं दे रहे। लोग छतों पर रहने को मजबूर हैं, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पर तो पानी है, लोग कहाँ सोएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ खाना बनाएंगे। बेतवा नदी, सतारा नदी उफान पर है। ओरछा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एमपी के टीकमगढ़ में घरों में घुसा है पानी, ये तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। और एमपी के टीकमगढ़ में बाल बाल बची जान, भारी बारिश के बाद उफनते नाले का पानी सड़क के ऊपर आ गया। तो देखिए जब सड़क पर पानी आया तो फिर हुआ क्या, नाला पार कर रहे एक युवक का संतुलन बिगड़ता है और देखिए वो कैसे उधर पानी में गिर गया। युवक पानी की तेज धार में बहने लगता है, ये देखिए कैसे ये पानी की तेज धार में बहने लगता है। इतने में कुछ लोग आगे आते हैं इसकी मदद करने के लिए और कूद कर तैर कर इस युवक को बचा लेते हैं। देखिए कुछ लोग मदद के लिए गए और उस शख्स को बचा लिया। तो देखा आपने किस तरह से नदियां उफान पर है, टीकमगढ़ में देखा आपने कैसे हादसा होते होते बचा, लेकिन लोग हैं जो सीखने के लिए तैयार नहीं है। टीकमगढ़ के रामराजा नगरी ओरछा में शिव भक्त कावड़िए कैसे जान जोखिम में डालकर रस्सी के सहारे सतारा नदी को पार कर रहे हैं। दरअसल भारी बारिश के बाद ओरछा झांसी मार्ग पर सतारा नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा था, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम नहीं होने की वजह से कांवड़िए रस्सी के सहारे जान जोखिम में डालकर ये रास्ता पार करने को मजबूर है। ये नदियां उफान पर है, सतारा नदी जो है कि आपने देखा कि किस तरह से उफान पर है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग हैं जो फिर भी ये नदियां पार करने कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं उज्जैन की बात करते हैं। उज्जैन में भारी बारिश से शिप्रा और चंबल नदी उफान पर है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं चामुंडा माता मंदिर की। चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने से प्रसिद्ध चामुंडा माता मंदिर किस तरह से डूब गया है ये तस्वीरों में जरा देखिए। नागदा में रोज बड़ी संख्या में श्रद्धालु चामुंडा माता के मंदिर में दर्शनों के लिए पहुंचते हैं, लेकिन भारी बारिश में ये मंदिर पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। जब भी बारिश होती है तो यही हाल उभर कर सामने आता है। शिप्रा चंबल नदी उफान पर, जिसकी वजह से मंदिर पानी में डूबे हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश के नीमच में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। भारी बारिश के बाद यहां नदी नाले उफान पर हैं। नीमच के मनासा तहसील में कई गांव टापू में बदल गए हैं, जहां गांव का संपर्क पूरी तरह से शहर और आसपास के इलाकों से टूट चुका है। देख रहे हैं आप किस तरह की भयावह तस्वीरें हैं, जहां पर नीमच में भारी बारिश से नदी और नाले उफान पर हैं, यहां पर लोग डरे हुए हैं। और अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी में भी मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया है, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है झांसी में महिंद्रा की एजेंसी और गोदाम से। ये देखिए महिंद्रा गाड़ी की एजेंसी और गोदाम में रखी गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं। नई नई गाड़ियां हैं, करीब 20 घंटे से रुक रुक कर बारिश हो रही है। शहर में जल भराव की स्थिति है, ये देखिए ये सभी गाड़ियां पानी के अंदर, पानी में डूबी हुई, स्थिति बहुत खराब हो गई है यहाँ पर। झांसी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, महिंद्रा का शोरूम, नई नई गाड़ियां,
किस तरह पानी में डूबी गाड़ियां। मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान का रुख कर लेते हैं। कल राजस्थान के दौसा से डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। दौसा के लाल कोट में, ये देख रहे हैं तस्वीरें आप, लाल कोट में गांव में बने अंडरपास में पानी भर गया, जिसमें स्कूल की बस फंस गई। बस में करीब 50 बच्चे सवार थे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से बच्चे स्कूल की बस के ऊपर चढ़े हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे बस की छत पर चढ़कर ये बच्चे अपनी जान बचा रहे हैं। अंडरपास में फंसी बस और बस की छत पर सवार स्कूली बच्चे, बाद में पुलिस ने गांव वालों की मदद से स्कूली बच्चों को सही सलामत बाहर निकाल लिया। वाकई में छोटे छोटे ये बच्चे हैं, 50 बच्चे थे जिन्हें बस की छत पर ही इन्होंने रहकर अपनी जान बचाई, और किसी तरह पुलिस ने गांव वालों की मदद से रस्सी के सहारे इन छोटे छोटे बच्चों को सही सलामत बाहर निकाल लिया। तो पानी किस तरह खतरनाक हो सकता है, ये तस्वीरें बयान करती है। राजस्थान के ही कोटा की बात कर लेते हैं, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 48 घंटे की बारिश से कोटा से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कोटा पुलिस लाइन में घरों में पानी घुस गया है और नदियां देखिए किस कदर उफान पर है। देखिए हर तरफ पानी है, बेडरूम से लेकर किचन तक आप देखेंगे तो पानी ही पानी है। इतना ही नहीं, कोटा के अनंतपुर इलाके में तो नगर निगम की रेस्क्यू टीम की तरफ से नाव तक चलाई जा रही है। कई जगहों पर तो 4 फीट से ज्यादा पानी भर चुका है और लगातार हो रही बारिश की वजह से कोटा में चंबल नदी पर बने बांध का जलस्तर बढ़ गया है। बांध के 5 गेट भी खोलने पड़े हैं। राजस्थान के बाद अब आपको उत्तराखंड लिए चलते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक भैंस का रेस्क्यू किया गया। जी हां, दरअसल 2 दिनों से पहाड़ पर हो रही बारिश हो रही है, जिसकी चेतावनी मौसम विभाग ने पहले ही दे दी थी। उत्तरकाशी में कचरू देवता मंदिर के पास चारा खाने के लिए एक भैंस गई, अचानक पानी में बढ़ जाने की वजह से वो पानी में ही फंस गई। बाद में SDRF की टीम ने भैंस को बचाने का अभियान शुरू किया। पहले दिन तो पानी ज्यादा होने की वजह से भैंस का रेस्क्यू ऑपरेशन संभव नहीं हो पाया, लेकिन कल सुबह भैंस का सफल रेस्क्यू किया गया। SDRF की टीम ने कचरू देवता मंदिर के पास में जो ये भैंस फंस गई थी उसको बचाया, उसका रेस्क्यू किया गया। और आइए अब यूपी के मुजफ्फरनगर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां भारी बारिश के बाद जो शहर था वो तालाब में तब्दील हो गया। कुछ घंटों की बारिश ने कुछ ऐसा हाल कर दिया, कई फीट तक पानी भर गया। लोगों में नगर पालिका को लेकर काफी गुस्सा है। उनकी शिकायत के बावजूद जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं की गई और शहर के लोगों को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा। निकलने में लोगों को दिक्कत हो रही है। नगर निगम की इंतजामों की पोल खोलती ये तस्वीरें। अगली तस्वीर भी आपको यूपी से ही दिखाते हैं। यूपी के इटावा में भारी बारिश से जिला अस्पताल का परिसर में पूरी तरह टापू में बदल गया। मरीजों और मरीजों के परिजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। तस्वीरें देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मामूली बारिश के बाद ये हालात पैदा हो गए हैं, जिसने नगर निगम की पोल खोल कर रख दी है। और आइए बात केरल की करते हैं। केरल में बारिश तो नहीं हो रही, पानी का जलस्तर जो है वो कम होता जा रहा है, लेकिन घर लौट रहे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अपने घर लौट रहे लोग अपने तबाह घरों को साफ करने में जुटे हैं। केरल में बाढ़ का पानी उतरने के बाद महामारी और बीमारी फैलने का खतरा बढ़ चुका है और इसीलिए NGO भी साफ सफाई में लगे हुए हैं। कल सीएम पी विजय ने भी राहत कैंप का दौरा किया और पीड़ितों से मुलाकात की। देखिए अपने सामान को बाहर रखकर सुखाया जा रहा है, घरों की सफाई करते ये लोग। बाढ़ के बाद अपने घरों को लौट रहे लोग सफाई में जुट गए हैं। केरल के कोची से देखिए पिंकी राजपुरोहित की ये रिपोर्ट। केरला में आई बाढ़ के बाद पानी तो पूरी तरह से उतर चुका है, लेकिन अपने पीछे बर्बादी की ऐसी तस्वीर छोड़ गया है जिसे शायद केरला को वापस आने में न जाने कितने दिन लग जाएंगे। इस वक्त हम कोची के एक ऐसे ही घर में मौजूद है जहां की तस्वीरें अगर आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि बाढ़ का पानी जब घरों के अंदर घुसा तो मिट्टी इतनी ज्यादा अंदर ले आया जिसके कारण जितना भी सामान था घर के अंदर का वो सब कुछ पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। कुछ भी नहीं बचा है लोगों का, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सामान हो या घर की बाकी चीज़ें हो, जैसे कि जो कपड़े हैं या जो सफाई की चीज़ें हैं या जो बर्तन हैं, कुछ भी नहीं बचा है। ये तस्वीरें जो है बाढ़ के पानी के निकल जाने के बाद सामने आ रही है। ये देखिए ये जो कपड़े हैं या ये जो बर्तन हैं,
सब कुछ पूरी तरह से डैमेज हो चुका है बाढ़ के इस पानी में। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि अलग अलग एनजीओस की तरफ से जो है लगातार सफाई में लोगों का पूरा जो है यहाँ पर मदद की जा रही है लोगों की, क्योंकि घरों में जिस तरह की स्थिति देखी जा रही है किसी के लिए भी इतना आसान नहीं है कि ये घर इतनी आसानी से साफ हो सके। यही कारण है कि रेस्क्यू के बाद रिलीफ में जहाँ लोग जुटे हुए हैं, वहीं अब सफाई अभियान में भी लगातार अलग अलग लोग सामने आ रहे हैं लोगों की मदद करने के लिए। तो आपने देखा बारिश के बाद मुश्किल है हालात अब भी लोगों के लिए। बाढ़ के बाद लोगों में महामारी बीमारी का खतरा बढ़ गया है। दूसरे राज्यों से भी डॉक्टरों की टीम केरल पहुंचकर लोगों की मदद कर रही है। बाढ़ के बाद आखिर क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं? एबीपी न्यूज संवाददाता पिंकी राजपुरोहित ने डॉक्टर से बात की है। केरला में आई बाढ़ के बाद की तबाही की तस्वीरें जहां अलग अलग जगहों से देखने को मिल रही है, वहीं बाढ़ के बाद अगर सबसे ज्यादा खतरा किसी चीज का रहता है तो वो है बीमारियों का। और यही कारण है कि जगह जगह पर मेडिकल कैंप्स लगाए गए हैं और कई अन्य राज्यों से भी मदद के लिए डॉक्टर्स सामने आए हैं। एक ऐसे ही मेडिकल कैंप में इस वक्त हम मौजूद है जो कि कोची के आलुआ इलाके में है, और यहाँ पर हम डॉक्टर से बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरह की बीमारियों का खतरा जो है वो रहता है बाढ़ के बाद। हाय डॉक्टर, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर समीर पवार है और मैं पुणे महाराष्ट्र से रिलीफ कैंप के लिए यहाँ आया हूँ। तो ये जो बाढ़ के बाद जिस तरह से पानी अब क्योंकि उतर गया है तो खतरा काफी रहता है बीमारियों का, अगर आप हमें एक्सप्लेन कर सके कि किन किन बीमारियों का ज्यादा खतरा रहता है। आफ्टर जो फ्लड जो है कम होने के बाद में वाटर बॉर्न डिसीजेस है वो ज्यादा कॉमन होते हैं। उसके बाद में ड्यू टू अनहाइजेनिक कंडीशंस मॉस्किटो बॉर्न डिसीजेस है जो मच्छरों के कारण फैलने वाले डिसीज है, उसका खतरा ज्यादा रहता है। उसके बाद में लेप्टोस्पायरोसिस इज मोर कॉमन इन दिस एरिया, सो लेप्टोस्पायरोसिस जैसे रोग भी यहाँ पे हो सकते हैं। मलेरिया, डेंगू, इन रोगों का खतरा रह सकता है उसके लिए। उसके बाद ड्यू टू दिस अनहाइजेनिक कंडीशंस एंड पीपल आर नॉट गेटिंग दिस डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, जो घर के यूज़ के लिए उनको पानी नहीं मिल रहा है, उसके वजह से फंगल इन्फेक्शंस आर वेरी कॉमन इन दिस। वी आर गिविंग एंटी फंगल क्रीम्स फॉर देम। देन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस जो छाती के रोग हैं वो उनका खतरा बढ़ सकता है। उसके बाद में जो है डायरिया और गैस्ट्रो के है जिसके वजह से जुलाब संडास जो लग सकते हैं उसके लिए हम यहाँ पे मेडिकेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। और जैसे कि पानी के वजह से इंसेक्ट बाइट और अननोन बाइट के पेशेंट्स आते हैं, तो इंसेक्ट बाइट पेशेंट्स वी आर ट्रीटिंग हियर ओनली, बट अननोन बाइट पेशेंट्स वी आर सेंडिंग इन द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। जो भी कोई सीरियस पेशेंट आता है इंजुरी के कारण, इसके कारण उसको हम सीरियस पेशेंट को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर कर रहे हैं। अननोन बाइट, स्नेक बाइट पेशेंट्स आर गिवन प्राइमरी ट्रीटमेंट इज गिवन एंड देन दे आर रेफर टू द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। अब आपको दिखाते हैं खेल से जुड़े समाचार त्वरित खेल में। एशियन गेम्स में भारत को मिला 5वां गोल्ड मेडल। स्वर्ण सिंह, ओम प्रकाश दत्तू, बबन और सुखमीत की टीम ने नौका दौड़ में दिलाई शानदार जीत। आज सुबह गोल्ड मिलने से पहले भारत को 2 ब्रॉन्ज मेडल और मिले। नौकायन के लाइटवेट डबल स्कल्स में रोहित कुमार और भगवान सिंह ने जीता ब्रॉन्ज मेडल, वहीं दुष्यंत ने पुरुषों के लाइटवेट सिंगल्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता। एशियन गेम्स में शूटिंग की डबल ट्रैप स्पर्धा में शार्दुल विहान को सिल्वर मिला। सिर्फ 15 साल के हैं शार्दुल विहान 10वीं में पढ़ते हैं और यूपी के मेरठ के रहने वाले हैं। अब उनके घर में जश्न का माहौल है, नाच गाकर खुशी का इजहार किया जा रहा है। एशियन गेम्स में टेनिस की विमेन सिंगल्स मुकाबले में अंकिता रैना सेमीफाइनल में हारी, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल पक्का। एशियन गेम्स में भारत को अब तक 5 गोल्ड समेत कुल 21 मेडल मिल चुके हैं। मेडल टैली में वो 10वें नंबर पर है। पहले नंबर पर चीन 117 मेडल के साथ है। विराट कोहली फिर से टेस्ट के नंबर 1 बल्लेबाज बने। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में विराट ने दोनों पारियों में कुल 200 रन बनाए। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट टीम में शामिल हनुमा विहारी ने कहा, मां की कुर्बानी की वजह से यहां तक पहुंचा। हनुमा आंध्र प्रदेश से क्रिकेट खेलते रहे हैं। अब बारी है मनोरंजन जगत के समाचारों की, जहां होगी फिल्मी दुनिया की हर गॉसिप। केरल बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए सुशांत सिंह राजपूत, एक फैन के नाम से की 1 करोड़ की मदद।
केरल में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए अभिनेता रणदीप हुडा, खालसा एंड ग्रुप की तरफ से केरल में लोगों की मदद करने के लिए पहुंचे केरल। महानायक अमिताभ बच्चन ने केरल के लोगों की मदद के लिए 51 लाख रुपए दिए। उन्होंने अपने कपड़े और जूते भी वहां के लोगों के लिए भिजवाए हैं। विराट अनुष्का की अनोखी पहल, बाढ़ से बेहाल केरल में जानवरों की भी मदद कर रहे हैं विराट अनुष्का शर्मा, उनके लिए खाना और दवाइयां पहुंचा रहे हैं। अब देखते हैं दुनिया भर में क्या हो रहा है त्वरित विश्व में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले, अगर मुझे महाभियोग चलाकर हटाया गया तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो अगले सप्ताह उत्तर कोरिया जाएंगे। कहा, किम जोंग से मिलने की कोई योजना नहीं है। परमाणु निरस्त्रीकरण मामले में ये पोम्पियो का चौथा उत्तर कोरिया का दौरा होगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस में आतंकी हमला, 2 की मौत। आतंकी हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस ने ली है। जापान के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में तूफान सिमरोन ने दी दस्तक। 300 से ज्यादा हवाई उड़ानें रद्द की गई, साथ ही तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी। आज के त्वरित समाचारों में अभी के लिए इतना ही। एक बार फिर आपको याद दिला दें, अब त्वरित समाचारों का प्रवाह होगा हफ्ते के 7 दिन सुबह 9 बजे से 10 बजे तक। कल सुबह फिर लौटेंगे त्वरित समाचारों के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।